उसने रेप किया है, फांसी तो होनी चाहिए। मेरा आज का काम खत्म हो गया, आप चले। चाचू मुझे केस करना। किस पर केस करेगा? उस एमएलए पर। एमएलए पर करेगा? हाँ, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? अबे ये भी कोई बात हुई? अरे साइकिल की चोरी पर केस हो सकता है, उसने तो मेरा दिल चुरा लिया, केस तो बनता ही है। कोई कदम लागू नहीं होती, मार देगा केस। चल उठ जा, निकल दे। ये मामला क्या है? एमएलए यहाँ क्या कर रही है? आज 28 जनवरी को महिमा रेप एंड मर्डर केस की फाइनल हियरिंग होने जा रही है। जनता महिमा को सपोर्ट करने के लिए अदालत के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अदालत वीरेंद्र को सजा देती है या फिर उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि वीरेंद्र बिजनेसमैन प्रसाद कुमार के बेटे हैं। धनुष के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, हमारे वकील साहब अभी तक नहीं आए। साइलेंस। मूर्ति जी, अब तक लॉयर क्यों नहीं आया? मैंने सुबह से उनको कई फोन किए लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। उनके घर पे भी ताला लगा है, रिश्तेदारों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैडम, वो कहाँ चले गए? चाचू, एमएलए तो काफी टेंशन में लग रही है। चलो। नमस्ते सर। हियरिंग का टाइम हो गया है, आपका वकील अब तक क्यों नहीं आया है? पता नहीं साहब। तो आपकी तरफ से एविडेंस कौन पेश करेगा? सारे एविडेंस लॉयर के पास है साहब। कोई वकील नहीं और कोई एविडेंस भी नहीं? इस तरह आप कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, इसलिए मैं इस केस को डिसमिस। एक्सक्यूज मी सर, हमें लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कीजिए। मैं इसकी अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता, वकील चाहिए। चाचा उठो, केस आप लड़ेंगे। उठ जाओ। ये क्या बक रहा तू? डिसाइड हो गया, चलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो। लेकिन शुरू कैसे करो? लीव ऑफ एब्सेंस मांगो। और एविडेंस का क्या? एविडेंस आ जाएगा, सबूत और गवाह लाना मेरा काम है। चलो। योर ऑनर, मेरा नाम श्रीपति है, ये केस मैं टेक ओवर करता हूं। लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करें। आपके पास कोई एविडेंस है? किस बिना पे लड़ेंगे आप? इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो। वीरेंद्र को फांसी दो। वीरेंद्र बलात्कारी है। वीरेंद्र को फांसी दो। खामोश। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किसी भी केस में क्या चाहिए? सबूत और गवाह चाहिए। न्याय मिलेगा मगर कब? जब गुनाह साबित हो। लेकिन अखबार में हेडलाइन छपने से या किसी न्यूज चैनल के कहने से या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक एमएलए के सपोर्ट से केस का फैसला नहीं होता। जज साहब, जज साहब, रात को अगर रेप हो तो अगली सुबह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। प्रेग्नेंट? यस, आप इसे रेप कह रहे हैं। जिस दिन रेप हुआ शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था, उसे 1 नहीं 10 बार होटल के रूम से कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था। आइए सर, ये बात बिल्कुल सच है सर, हमने उसे 10 बार अरेस्ट किया लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके माँ बाप को ना बताएं, इसलिए 1 ही बार कंप्लेंट की। सर सर नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बेटी थी वो, उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाइए, आपसे भीख मांगता हूँ, बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, हम ये केस वापस ले लेंगे। ए, कोर्ट तुम्हारे कहने से नहीं चलता। आपने देखा जज साहब, जब राज खुलने लगा तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। इन्हें फंसाने के पीछे इनका एक खास मोटिव था। मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी का आइकॉन, पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने का, लूटने का प्लान बनाया और जब वो झांसे में नहीं आया तो हर सुबह हर शाम रेप केस करने की धमकी दे देकर मेरे क्लाइंट को हैरेस किया।
इनकी बेटी धंधा करती थी, वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम एंटर चाहती थी, सारे एविडेंस भी यही कहते हैं। और ये ना सिर्फ मेरा दावा है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। समाज के नाम पर कलंक है ये लड़की, और किसे पता, शायद इसके माँ बाप ने ही इसे इस काम में झोंका हो। इस शहर की गंदगी है ये। कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने और एक निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में ये कोर्ट आपको दोषी मानता है। द केस इज डिसमिस्ड। चला जा, जा। आपने मेरी बेटी बदचलन नहीं, नहीं आपको कुछ नहीं होगा। चाचा जीप निकालिए, हॉस्पिटल चलते हैं। चाचा गाड़ी स्टार्ट करो, हमें इन्हें बचाना होगा। चाचा चलो जल्दी करो। चाचा चाचा गाड़ी स्टार्ट करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। नाना, जल्दी करो। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं, वो मर चुके हैं। वो मर चुके हैं बेटा, मर चुके। वकील साहब, महिमा के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया, क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट का फैसला गलत है? जज की क्या औकात जो हमारे खिलाफ फैसला दे। पैसे वाले कानून को अपनी जेब में रखते हैं। हमने जज को खरीद लिया था। चाचा जरा इन्हें पकड़ो। क्या बोला वो? अरे कुछ नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं यहां से। अरे क्या बोला था उसने? नहीं पढ़ना इन सब। चाचा उसने अभी क्या बोला था? धनुष के आदमी है, समझा कर। मैं कह रहा हूं ये धनुष के अनुष, इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, ये धनुष के आदमी है। केस तुम जीत चुके हो, अब क्यों आए हो यहाँ? आपने जमीन के जो पेपर्स मांगे थे वो मैं लेकर आया हूँ। तीर्थो कॉफी ले आओ, आओ मेरे साथ। 300 एकड़ जमीन में से आपने सिर्फ 250 एकड़ जमीन क्यों ली, ये समझ में नहीं आया। बाकी के 50 एकड़ मेरे वॉचमैन के लिए है। कैसे हुआ ये? हे यूथ आइकॉन, तुझे रेप करने का लाइसेंस मिल गया। अब जो तेरे जी में है तू कर, बाकी सब मैं संभाल लूँ। लव यू ब्रदर, एंजॉय। लेट्स सेलिब्रेट। ए इसको ट्राई कर। फास्ट है। सारे को चीट डालो, कोर्ट को मैं संभाल लूंगा। Thank you.
ही जो सही वक्त पर मिले। अगर कोर्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। कौन था वो? बड़े जोश में लग रहे हो। रात को दो तीन पैक ज्यादा हो गए थे, वही उतार रहा हूँ। मतलब रात की उतरी नहीं, क्यों? अरे गणेश, कल रात में कहाँ थे? दोस्तों के साथ था। सुनो, 10 दिन में डीजीपी रिटायर होने वाले, शाम को पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें साथ लाने को बोला है। वहां पर कोई घटिया हरकत मत करना। कौन, मैं? पार्टी के नाम से मन में लड्डू फूट रहा है। थैंक यू। इंतजाम सब ठीक ठाक है ना? नमस्ते। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू सो मच। हेलो सर। थैंक यू। गना कहाँ है? यही है सर। अरे कॉमरेड्स, कैसे हो मेरे शेर? हम अभी आते हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं भैया, डीजीपी के काफी करीब है मेरा बेटा गना। कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस और गुंडे हमेशा करीबी होते हैं। तुम्हारे पापा ने बताया आए दिन किसी ना किसी से उलझते रहते हो। सुना है तुमने ही मसूद पहलवान को मारा है। गलत आदमी था, सही किया तुमने। मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। वो पहलवान उसी लायक था। कानून की कुछ लिमिट्स है लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम कुछ भी कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, जो लोग कानून या फिर उसके सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनसे पंगा मत लेना। सर, विक्रम धनुष आया। इनकी बेटी एक बच्चलन लड़की थी। ये क्या कह रहे हैं? ये धनुष के आदमी है, समझा? मैं कह रहा हूं ये धनुष के आदमी। धनुष, वेलकम बेटा। दिल्ली से कुछ मिनिस्टर्स आए तो प्रोटोकॉल की वजह से पापा को उनसे मिलना जरूरी था, इसलिए मैं आया हूं। कोई बात नहीं धनुष। हाँ, क्या बोला रे कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम लिया। लगता है जॉब के साथ जिंदगी से भी रिटायर होना है। गणेश कहाँ है? रवि, उसका बैकग्राउंड निकाल। इसे छोड़ दे बेटा, जाने दे। गना, ये धनुष के लोग हैं। गना, साला चमचा। गना, एमएलए यहाँ आई है। एमएलए, यहीं रुको, मिल के आता हूँ। हाय। एक्सक्यूज मी, जाओ जाओ। यहाँ भी आ गए? ये सेलिब्रिटी पार्टी है। हेलो, मैं भी सेलिब्रिटी से कम नहीं, इनविटेशन से आया हूँ। यहाँ तो दिल ही तीर का निशाना बनने आ गया। क्या मतलब? प्यार का तीर लेके खड़ा था, तुम दिल लेकर घायल होने आ गई। वैसे इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात उसके से पैर काट दिए। क्या? पैर काट के अलग कर दिए। वीरेंद्र के पैर तुमने काटे? उसके लिए कानून है, सिस्टम है, कोर्ट है। क्या उखड़ा कानून है? उस लड़की को बचा पाया और उसके बेचारे माँ बाप, उन्हें इंसाफ मिला? तुम्हारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या किया? चलो उनकी छोड़ो, तुम तो एमएलए हो ना, तुमने क्या कर लिया? खैर छोड़ो, जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूं। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता, मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, उसूलों का बिल्कुल पक्का हूं, चाहे जो हो जाए। और वो सच जान गए तो मार दूंगा। 24 घंटे सीनियर सिटिजंस के साथ घूमकर बोर नहीं होती? होती तो हूं, पर करूं भी तो क्या करूं?
पब चलोगी? तुम पागल हो क्या? वहां जाने के लिए पागल होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं है, सबकी तरह मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएं, घूमें फिरें, क्लबिंग करें, मेरा भी मन करता है। पर मैं एक एमएलए हूँ। तुम्हें कुछ बताता हूँ, कन्विंस हो जाओ तो चलो, वरना आइडिया ड्रॉप करो। कैसा आइडिया? तुम्हारे दादा महान फ्रीडम फाइटर थे। 1922 में ब्रिटिश का जुल्म बढ़ने लगा तो उन्होंने गन उठा ली, सही है ना? शादीशुदा होते हुए भी बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में लगा दी। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उनके 4 बच्चे थे, मतलब दिन भर लड़ने के बावजूद रात को रोमांस के लिए टाइम निकाल लेते थे। अरे मेरे दादाजी ऐसे नहीं थे। तुम्हारी दादी जिंदा होती तो कन्विंस हो जाती। लाइन पे आ रही है।